आगामी त्योहारों के मद्देनजर बरेली जोन के एडीजी ने मुरादाबाद में राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों और जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को अपना सहयोग देने की बात कही, साथ ही प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा की है। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर अस्सी हसन ने कहा कि बरेली जोन के एडीजी पीसी मीणा ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एडीजी को तमाम समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि शहर में अपनों अमान का कायम रहे, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अस्सी हसन ने बताया कि उन्होंने बकरीद के त्यौहार को लेकर प्रशासन से सहयोग की अपील की और ऐसे शरारती तत्वों पर नजर रखने को कहा है जो बकरीद पर मीट को लेकर बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। उन्होंने बताया कि एडीजी ने इस मामले पर सहयोग की बात कही है। वहीं एडीजी पीसी मीणा ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि सभी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ रूट डायवर्जन का प्लान पहले से तैयार कर लिया जाए। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर चलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिनिधियों को एडीजी साहब ने बुलाया था बात करने के लिए, समस्याएं पूछने के लिए, तो सिर्फ हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम सब लोग, बीजेपी वाले भी, हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, यहाँ पे अमन और शांति बनी रहे। और हमने उनसे यही कहा है कि सिर्फ 2-4% लोग जनता में और 2-4% लोग आपके विभाग में ऐसे हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, नाइंसाफियाँ करते हैं, उन पर निगाह रखी जाए, उनको ऐसे काम करने से रोका जाए, भले से उसके लिए आपको कोई भी बल प्रयोग क्यों ना करना पड़े। क्या आगामी त्यौहार जो हैं, जो कांवड़ यात्रा है और मुहर्रम पर भी कोई चर्चा हुई है सर? नहीं, बकरीद पे चर्चा हुई और हमने इस बात को कहा एडीजी साहब से कि कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, गांवों में कुर्बानी दूर दूर होती हैं, जब वो अपना मीट लेके जाते हैं तो अननेसेसरी लोग बवाल करते हैं कि इस रास्ते पे ना लाओ, उस रास्ते पे ना लाओ। ऐसे लोगों को चिन्हित पहले से कर लिया जाए और उनको वार्निंग दे दी जाए कि माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। किस तरह का आश्वासन? वो भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से लाइन आर्डर डिस्टर्ब ना हो।